दोस्तों तीसरे दिन का टेस्ट मैच खत्म हो चुका है, तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ है और भारत ने थोड़ा बहुत ना अंत तक लास्ट बॉल पर अगर विराट कोहली का विकेट नहीं खोया होता तो भारत और भी ज्यादा मजबूत स्थिति में हो गया था। अभी सिर्फ भारत 125 रन की लीड से ही दूर है, क्योंकि इतना बड़े मार्जिन से यार 400 से ऊपर रन बना दिए थे न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग में भारत को 46 रन पे ऑल आउट करने के बाद। तो भारत बैकफुट पे पूरी तरह से था। भारत इस मैच में करने के लिए भारत को रन चाहिए थे और बड़ी बड़ी पार्टनरशिप चाहिए थी, जैसे कि यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा के बीच पहले विकेट के लिए पार्टनरशिप अच्छी हुई, लेकिन यशस्वी जायसवाल का ये शॉट खेलना नहीं बनता था, उनको लूज शॉट खेलना नहीं बनता था। सिचुएशन को समझना चाहिए था, आराम से खेलते, थोड़ी और पार्टनरशिप बिल्ड करते तब जाके ऐसे शॉट खेल सकते थे। जब आप एक बार विकेट पे टिक जाते हैं ना, एक तो इतने देर बाद टिके थे, मौका मिला था बड़ी पारी खेलने के, ऐसे पिचर या बल्लेबाजी आसानी से हो सकती है, लेकिन यशस्वी जायसवाल को ना मतलब वही है, जो वो खेलने का जिस उनका अंदाज ही यही है, वो अपने अंदाज को चेंज नहीं कर सकते। और रोहित शर्मा भी बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे थे, हर तरफ से शॉट मारते, क्रिकेटिंग शॉट, पुल पे छक्का, बहुत ज्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन वो होता है ना एक बार लक आपका साथ नहीं देता, मतलब उन्होंने बस डिफेंस किया था, डिफेंस भी सॉलिड था, उनको भी नहीं पता था कि वो बॉल जाके विकेटों पे लग जाएगी और उनको रोकने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो ये जो डिसमिसल, सॉफ्ट डिसमिसल कह सकते हैं रोहित शर्मा का। फिर उसके बाद जो सबसे अहम पार्टनरशिप हुई ना इस भारतीय इनिंग की, वो सरफराज खान और विराट कोहली की, क्योंकि इन्होंने सिर्फ ना ही पार्टनरशिप करी, विकेट नहीं दिया बल्कि तेजी से रन भी बनाया। विराट कोहली भी अच्छे लय में दिख रहे थे और लग रहा था एक बड़ी पारी आएगी विराट कोहली के बल्ले से, और आई 70 रन की पारी आई, लेकिन ये पारी और भी ज्यादा बड़ी हो सकती थी और विराट कोहली ने एक बड़ा माइलस्टोन भी अपने नाम किया, 9000 टेस्ट रन पूरे करने का। तो विराट कोहली ना लास्ट बॉल पे, ना दिन के लास्ट बॉल पे ग्लेन फिलिप्स के आउट हो गए, वरना विराट कोहली भी अगर नॉट आउट जाते ना तो भारत की स्थिति और ज्यादा मजबूत होती। तो वही सरफराज खान ने भी बहुत ही अच्छा साथ निभाया विराट कोहली का और उन्होंने भी ताबड़तोड़ तेजी से रन बनाए। जो खेलते हैं जिस अंदाज में सरफराज खान, उन्होंने उसी अंदाज को अपनाया, ना कि डिफेंसिव मोड पे गए, तो इसी वजह से ना भारत के पास रन, अभी भारत को 123 रन, अभी भारत 123 125 रन और पीछे है, लेकिन भारत के हाथ में 7 विकेट है और ऋषभ पंत भी अभी फिट नजर आ रहे हैं, तो ऋषभ पंत भी बल्लेबाजी करेंगे कल, केएल राहुल भी करेंगे और उसके बाद रविंद्र जडेजा, अश्विन भी कर सकते हैं बल्लेबाजी। तो भारत को अभी भी कम से कम 250-300 रन बनाने पड़ेंगे, 125 रन जो लीड पूरा करेंगे और 200 कम से कम जो कि और ज्यादा होगा, जो कि उनको न्यूजीलैंड को आउट करने के लिए होगा, क्योंकि बॉल ना यहाँ पे ना बहुत ज्यादा नीचे बैठ रही थी, कोई ऊपर जा रही थी, बॉल ज्यादा ना वेरिएशन देखने को मिल रहा था, क्योंकि बैटिंग भी चाहिए यार यहाँ पे ना एक बार जमने की देर है। देखो ना आपने न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र की पारी को देखो, उन्होंने क्या डोमिनेट तरीके से किया, यहाँ तक टिम साउदी ने भी अच्छी पारी खेली, वही भारत को रन ना चुभेंगे, जो कि टिम साउदी और रचिन रविंद्र की जो पार्टनरशिप हुई थी ना, वही पार्टनरशिप अहम थी। तो पूरे दिन का खेल खत्म होने में एक रिकॉर्ड भी बन गया कि दोनों टीमों ने मिला के 450 रन से भी ज्यादा का स्कोर किया, ही अपने आप में भी एक रिकॉर्ड है, क्योंकि रन रेट नहीं रुका, विकेट गिरते गए, रन रेट कभी नहीं रुका, और चाहे कितना भी प्रेशर वाला मैच हो, ये भारत को पता है कि यहाँ पे विकेटों का ही अहमियत है, विकेट नहीं आएंगी तभी हम जीत सकते हैं या फिर ड्रॉ हो सकता है, लेकिन भारत ने ये नहीं सोचा और अपनी जो नॉर्मल उनका क्रिकेट है ना भारत का, जो इतने टाइम से खेलता आया वही क्रिकेट खेला और यहाँ तक पहुंचने के लिए अभी तक ना सिर्फ भारत को अगर 2 विकेट ही गिरते, विराट कोहली का विकेट नहीं गिरता तो भारत को हमें कह सकते थोड़ा और ज्यादा अपर एंड होता, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी अगर भारत यहां से और भी ज्यादा मजबूत स्थिति में आ जाएगा, अगर और भी ज्यादा ऋषभ पंत, केएल राहुल, सरफराज खान एक और लंबी पारी खेलेंगे ना, तो भारत के लिए मुश्किलों का कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ भी कहा जा सकता है। इस टेस्ट मैच में कुछ तीनों अभी रिजल्ट संभव है, भारत की ऐसी परफॉर्मेंस देखने के बाद तो ऐसा लग ही रहा है कि टेस्ट मैच में अगर कल का दिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखने वाली बात होती है भारत किस माइंड सेट के साथ आता है और कैसे क्रिकेट खेलता है, भारत के खिलाड़ी कैसे अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं या फिर डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। भारत के खिलाड़ी को देखने से लगता नहीं कि वो डिफेंसिव होंगे, उनका जो क्रिकेट खेलने का अंदाज है वही होगा। तो आप तीसरे दिन का खेल समाप्ति पे दोनों टीमें कह सकते हैं ना कोई भी जीत सकता है, लेकिन भारत ने कुछ अच्छी फाइट बैक करा है और न्यूजीलैंड ने जाते जाते विराट कोहली का जो सबसे इंपॉर्टेंट विकेट लिया है ना, वही मैच का टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। दोस्तों आपकी क्या राय, कॉमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो चलेगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।